हज़रत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि कुरैश को मखज़ूमी औरत की शान ने, यानी यहाँ जो इशू था उसका शान ये है, यानी उसका जो मामला था उसने गम में डाला या उसने उन्हें अहमियत का एहसास दिलाया। हाशिए पर गम वाले माना में किया है, उसने चोरी की थी तो ये उसको बचाना चाहते थे। फ़कालु मैं युकल्ले मुफिया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सफारिश करेगा? तो कहा उन्होंने, व मैं यज तारी अलैहि इल्ला उसामा इबन ज़ैद हिब्ब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हिब्ब बमाना महबूब है, महबूब रसूल, कि और कोई नहीं उसामा बिन जैद जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े प्यारे हैं वो ये काम कर सकते हैं। फकल्लमा उसामा तो फकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतशफ़ाउ फी हद मिन हुदूदिल्लाह। तो सफारिश की कई किस्में हैं, सफारिश महमूद भी है, मज़मूम भी है, सफारिश करने पर अजर भी है, उसका हुक्म भी है। लेकिन यहाँ ये फरमाया, क्या तुम हुदूदुल्लाह में इस एक हद को उठाने पर सफारिश कर रहे हो? सुम्मा कामा फख्ताताबात, इस पर ही सरकार उठे और खुतबा इरशाद फरमाया कि ऐसा क्यों हुआ, यानी क्यों नरमी के लिए, जहाँ हद लगती है तो क्यों नरमी के लिए सोचा गया है। फरमाया कि जिस चीज़ ने तुमसे पहलों को हलाक किया वो ये थी कि जब उनमें कोई शरीफ चोरी करता था, शरीफ का मतलब ये है कि जो माली तौर पर स्ट्रांग बंदा हो, अशराफ में से हो, सरदार हो, नवाब हो, ताराकू हो, फिर उसको छोड़ देते हैं। वैदा सारा काफ़ी ही मुद्दईफ हो, जब कोई कमज़ोर बंदा चोरी करे तो उस पर हद लगा देते थे। तो यहाँ पर है कि जो बंदा कमज़ोर हैसियत वाला है, यानी ज़ईफ, अगरचे वैसे जिस्मानी तौर पर हट्टा कट्टा हो, लेकिन किसी नादार ख़ानदान का हो, तो वो ज़ईफ से यहाँ मुराद है। समझ आई है ना साईं? कि ज़रूरी नहीं कि वो मरियल ही हो, कमज़ोर ही हो, बल्कि ये है कि वो खाते पीते घराने का ना हो, वो मुराद है यहाँ पर। अकाम अलैल हद्द व लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकत लक़तातु यदहा। तो यहाँ एक चीज़ सब अपने ज़ेहन में बिठाएं कि जब भी इस हदीस को बयान करें आखिर में जो है लफ्ज़ यहाँ तर्जमे में, तकरीर में कभी भी सैयदा फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का नाम ना लें। यहाँ आके ये कहें कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत बड़ी ज़ात का हवाला देते हुए भी कहा कि अगर बतौर फ़र्ज वो ऐसा करती तो फिर भी हद जारी होती। इस पर इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने और कई आइम्मा ने यह वजाहत की कि ये भी आदाब अहले बैत में से है कि ना उन्होंने करना था ना ऐसा हुआ, तो फिर उनका तज़करा उम्मत जब करे इस हदीस के तर्जमे और तशरीह में तो फिर सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का नाम ना ले और कहे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी हस्ती का ज़िक्र किया, यानी किनायतन तज़करा हो कि अगर वो भी ऐसा करती तो बतौर फ़र्ज फिर ये हद जो है वो जारी होती कि नाम ना ज़िक्र किया जाए लफ्ज़ चोरी के साथ हज़रत सैयदा फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का। इस पर भी हमने कई हवाले लगाए हुए हैं आइम्मा के।